हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ सिकुंदे में। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हम आप तक पहुंचा सके अपनी वीडियो सबसे पहले और आप सुन पाए एक से एक बेहतर स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा हमारे इस चैनल पर हिंदी साहित्य के कवियों के बारे में, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में और इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ फिरोज गांधी के जीवन के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में, कुछ कहे अनकहे पलों के बारे में। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं कि स्वतंत्रता सेनानी इंदिरा गांधी के पति और लोकसभा के प्रभावशाली सदस्य फिरोज गांधी का जन्म 12 सितंबर 1912 को मुंबई के एक अस्पताल में पारसी परिवार में हुआ था। 1915 में वे अपनी माँ के साथ इलाहाबाद में कार्यरत एक संबंधी महिला के पास आ गए। इस प्रकार उनकी आरंभिक शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद में हुई। इलाहाबाद उन दिनों स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों का केंद्र था। जी हाँ दोस्तों, इसी के तहत आपको बताता चलूं कि युवक फिरोज गांधी इसके प्रभाव में आए और नेहरू परिवार से भी उनका संपर्क हुआ। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं कि उन्होंने 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार में भाग लिया और 1930 से 1932 के आंदोलन में जेल की सजा भोगी। इसके साथ साथ 1935 में फिरोज गांधी आगे के अध्यक्ष के लिए लंदन गए और उन्होंने स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अंतरराष्ट्रीय कानून में स्नातक की डिग्री ली। क्षय रोग से पीड़ित कमला नेहरू की फिरोज ने भारत और जर्मन के चिकित्सालय में बड़ी सेवा की। तभी उनका और इंदिरा का संपर्क हुआ और इस मार्च 1942 में इलाहाबाद में दोनों का विवाह हो गया। इसी के तहत आपको बताता चलूं कि अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में फिरोज कुछ समय तक भूमिगत रहने के बाद गिरफ्तार कर लिए गए। रिहा होने के बाद 1946 में उन्होंने लखनऊ के दैनिक पत्र नेशनल हेराल्ड के प्रबंध निदेशक का पद संभाला। 1952 के प्रथम आम चुनाव में वे लोकसभा के सदस्य चुने गए और इसके बाद उन्होंने लखनऊ छोड़ दिया। कुछ वर्ष भी और इंदिरा और नेहरू जी के साथ रहे। इंदिरा जी का अधिकांश समय अपने प्रधानमंत्री पिता की देखरेख में बीतता। दोस्तों इसी के तहत आपको बताता चलूं कि फिरोज गांधी पर रेहान फजल की विवेचना। तो दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा कौन सा शख्स होगा जिसका ससुर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का पहला प्रधानमंत्री हो और बाद में उसकी पत्नी और उसका पुत्र भी इस देश का प्रधानमंत्री बना हो। आइए दोस्तों आपको बताता चलूं, नेहरू परिवार पर नजदीकी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार रसीद किदवई बताते हैं कि इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने से पहले 1960 में फिरोज का निधन हो गया और वो एक तरह से गुमनामी में चले गए। लोकतंत्र में ऐसे बहुत कम शख्स होंगे जो खुद एक सांसद हो जिनसे ससुर देश के प्रधानमंत्री बने, जिनकी पत्नी देश की प्रधानमंत्री बनी और उनका बेटा भी प्रधानमंत्री बना। जी हां दोस्तों, इसके अलावा उनके परिवार से जुड़ी हुई मेनका गांधी केंद्रीय मंत्री हैं, वरुण गांधी सांसद और राहुल गांधी कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। इन सब ने लोकतंत्र में इतनी बड़ी लोकप्रियता पाई। तानाशाह और बादशाहत में तो ऐसा होता है, लेकिन लोकतंत्र में जहां जनता लोगों को चुनती हो ऐसा बहुत कम होता है। जिस नेहरू गांधी डायनेस्टी की बात की जाती है उसमें फिरोज का बहुत बड़ा योगदान था जिसका कोई जिक्र नहीं होता और जिस पर कोई किताबें या लेख नहीं लिखे जाते। इसी के तहत आपको बताता चलूं कि फिरोज गांधी का आनंद भवन में प्रवेश इंदिरा गांधी की माँ कमला नेहरू के जरिए हुआ था। एक बार कमला नेहरू इलाहाबाद के गवर्नमेंट कॉलेज में धरने पर बैठी हुई थी। वर्टिल फाक बताते हैं, जब कमला ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नारे लगा रही थी तो फिरोज गांधी कॉलेज की दीवार पर बैठकर ये नजारा देख रहे थे। वो बहुत गर्म दिन था, अचानक कमला नेहरू बेहोश हो गई। आपको बताता चलूं इसी के साथ कि परिवार और कैरियर। तो दोस्तों 1930 में कांग्रेस के स्वतंत्रता सेनानी की बानर सेना का निर्माण किया गया। इसके बाद एविंग क्रिएस्टियन कॉलेज के बाहर महिला प्रदर्शनकारियों को रोकते हुए ही उनकी मुलाकात कमला नेहरू और इंदिरा गांधी से हुई। प्रदर्शन के दौरान सूरज की गर्मी से कमला बेहोश हो गई थी और फिरोज ने उस समय उनकी सहायता की थी। अगले ही दिन 1930 में भारतीय स्वतंत्रता अभियान में शामिल होने के लिए
उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और भारतीय स्वतंत्रता अभियान में शामिल होने के बाद महात्मा गांधी से प्रेरित होकर फिरोज ने अपने उपनाम गांधी को बदलकर गांधी रखा। जी हाँ दोस्तों, 1930 में लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री और उस समय वे अलाहाबाद जिला कांग्रेस समिति के मुख्य थे। उनके साथ भी जेल जाना पड़ा और उन्हें फैजाबाद के जेल में 19 महीनों तक रहना पड़ा। रिहा होने के तुरंत बाद वे उत्तर प्रदेश की कृषि पर कोई कर न दिए जाने वाले अभियान में शामिल हो गए और इस वजह से जब वे नेहरू के करीब रहकर काम कर रहे थे तब 1932 और 1933 में उन्हें दो बार जेल जाना पड़ा। 1933 में फिरोज ने पहली बार इंदिरा को प्रपोज किया लेकिन इंदिरा और उनकी माता ने इसे अस्वीकार कर दिया। इंदिरा का पालन पोषण नेहरू परिवार के आसपास ही हुआ। कहा जाता है कि जब इंदिरा की माता कमला नेहरू की हालत टीबी की वजह से काफी खराब थी और इंदिरा ने ही उन्हें 1934 में भोपाली के अस्पताल में ले गई थी और इसके बाद जब उन्हें अचानक इलाज के लिए यूरोप जाना पड़ा तो इंदिरा ने ही उनकी यात्रा के सारे बंदोबस्त किए थे लेकिन अंत में 28 फरवरी 1936 को उनकी माता की मृत्यु हो गई। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं राजनीतिक सफर। तो दोस्तों अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में फिरोज गांधी कुछ समय तक भूमिगत रहने के बाद गिरफ्तार कर लिए गए। रिहा होने के बाद 1946 में उन्होंने लखनऊ के दैनिक पत्र नेशनल हेराल्ड के प्रबंध निर्देशक का पद संभाला। 1952 के प्रथम आम चुनाव में वे लोकसभा के सदस्य चुने गए। इसके बाद उन्होंने लखनऊ छोड़ दिया। कुछ वर्ष भी और इंदिरा नेहरू जी के साथ रहे। इंदिरा जी का अधिकांश समय प्रधानमंत्री पिता की देखरेख में बीतता था। 1956 में फिरोज गांधी ने प्रधानमंत्री निवास में रहना छोड़ दिया और वे सांसद के साधारण मकान में अकेले ही रहने लगे। 1957 में वे पुनः लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। इस बार उन्होंने संसद में भ्रष्टाचार के कई मामले उठाए। इन्हीं के कारण वित्त मंत्री टीटी कृष्ण माचारी को अपने पद से हटना पड़ा। वे नेहरू परिवार से अपने संबंधों की परवाह किए बिना प्रधानमंत्री की कई नीतियों विशेषता औद्योगिक नीतियों की कटु आलोचना करते थे। वे बड़े लोकप्रिय सांसद थे पर निजी जीवन में अंतिम वर्षों में बहुत एकांकी हो गए थे। उनके दोनों पुत्र राजीव गांधी और संजय गांधी भी अपनी माँ के साथ प्रधानमंत्री निवास में ही रहते थे। आइए दोस्तों बताता चलो फिरोज गांधी की मृत्यु। तो दोस्तों फिरोज गांधी को 1960 में दिल का दौरा पड़ा। इंदिरा जी उस समय महिला सम्मेलन में भाग लेने के लिए केरल गई थी। जी हाँ दोस्तों, सूचना मिलते ही वे तुरंत दिल्ली आई और 8 सितंबर 1960 ईस्वी को फिरोज गांधी का देहांत हो गया। तो दोस्तों ये थे एक महानायक जिन्होंने देश के लिए काफी कुछ किया दिया जो दोस्तों जिनको लोग भूलते जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको बताता चलूं कैसे लगी आपको स्टोरी, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। दोस्तों अगर आपके पास भी कोई स्टोरी तो हमारे साथ शेयर करें ताकि उसको हम अपने चैनल पर ला सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक